डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, आज दी वीडियो दे विच असी करन जा रहे हाँ गल कादे बारे, प्रीफिक्सेस बारे, सफिक्सेस बारे करांगे, क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, भला केड़े लैसन दी? वीरवल्स खिचड़ी। हाँ जी, वीरवल्स खिचड़ी लैसन दे क्वेश्चन आंसर ते एक्टिविटीज करन जा रहे अज दी वीडियो दे विच। ओके, ये लैसन केड़ी बुक चा? माई इंग्लिश कंपेनियन किन्नवा लैसन आ? थर्ड क्लास केड़ी दा? सैवंथ दा। सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सैवंथ क्लास, वेलकम टू टूडेज वीडियो लैसन। सो आप करते हैं शुरू, अज आप करांगे क्वेश्चन आंसर। पिछली वीडियो दे विच बेटा असी फुल लैसन जिहड़ा रीड किया सी, ट्रांसलेट किया सी, स्टोरी तुहानू समझाई सी। अगर मैनू पता सुखप्रीत ने भी स्टोरी कर ली, आकाश ने भी कर ली, खुशप्रीत ने भी कर ली, पर होर बहुत सारे बच्चे अजे बाकी ने जिन्होंने स्टोरी रीड नहीं की। सो पहला स्टोरी रीड करके आओ, पिछली वीडियो देखो तो कहानी नू समझो। जे कहानी समझ आऊगी तो क्वेश्चन आंसर या एक्टिविटीज समझ आएंगी बेटा, ठीक है। चलो आप करते हैं, जिन्होंने समझ ली कहानी उन एक्टिविटीज स्टार्ट। प्री रीडिंग पहला कर ली आप, लैसन स्टार्ट होने तो हूँ पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग दे विच इस बार जिहड़ा साडे कोल टॉपिक है वह की आ, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आई नो कि इस तो पहला शायद तुसी ये नाम नहीं सुनिया होया कि हुंदे ने प्रीफिक्सेस की ने सफिक्सेस की ने। अगेत्र पछेत्र सुनिया ना पंजाबी च, अगेत्र पछेत्र कहते हैं ना। हाँ बेटा उही ने, अगेत्र पछेत्र ही ने ये। सो आपां अज इन्हां बारे करांगे गल। की कह रही है एक्टिविटी सैकेंड? लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, इन्हों शब्दों वाल देखो। ब्रेक दैम इन टू समॉलर वर्ड्स, इन्हों छोटे छोटे शब्दों के तोड़ लवो। एंड लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इफ रिक्वायर्ड, फिर उन्होंने मीनिंग देखो अगर जरूरत पैंती है, है ना। सो फर्स्ट वर्ड, ये एक वर्ड आया अनकुकड खिचड़ी, है ना। सो इन देखो तोड़िया असी हूँ अनकुकड, ये कोका जड़ा ये रूट वर्ड आ बेटा। आने दे मूरे की लग गया अगेत्र, ईड़ी की लग गया पछेत्र। सो अज इन्हां बारे, इन्हां अगेत्रां ते पछेत्रां बारे पढ़ांगे, इन्हां दे मीनिंग जाणांगे की ने। सो चलदे आं करदे आं स्टार्ट आपां, कॉपी पेन लै लो अपना। इन द एग्जाम्पल अबव अन इज अ प्रीफिक्स टू कुक एंड एड इज़ अ सफिक्स। हुण इहदे विच अन की आ दस्सिया तुहानूं, प्रीफिक्स आ मीनस अगेत्र आ, ईडी की लग्या होयागा, सफिक्स मीनस पछेत्र है। प्रीफिक्सिस एंड सफिक्सिस आर ग्रुप्स ऑफ लैटर्स दैट कम एट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ वर्ड्स रिस्पैक्टिवली एंड मेक दैम लोंगर। कहिंदे जिहड़े अगेत्र ते पछेत्र ने शब्दों के शुरू च आउंदे ने, अगेत्र पछेत्र शब्दों के एंड विच आउंदे ने ते उहनां नूं होर लंबा करदे ने। सो एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां ने कि सफिक्स दियां ई आर लग जांदा जिद्दां, है ना, लोंग दे नाल ई आर लग गया तो की बन गया लोंगर। सो इन्ना समझ आ गया, हुण अगे चलदे आं। लर्निंग द मीनिंग ऑफ कॉमन प्रीफिक्सिस एंड सफिक्सिस कैन हैल्प यू अंडरस्टैंड अननोन वर्ड्स यू रीड, इट कैन आल्सो हैल्प यू बिकम बैटर एट स्पैलिंग वर्ड्स। प्रीफिक्सिस कम बिफोर द मेन वर्ड एंड सफिक्सिस कम्स आफ्टर, आप तुहानूं पहले ही दसता है भी अगे आउंदे ने प्रीफिक्सिस, सफिक्सिस पिछे आउंदे आ। दे के दे चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड जनरली मेक दैम ऑपोजिट ऑफ द मेन वर्ड। एक हुण ये गल समझण दी है, इत्थे जिहड़ा मीनिंग चेंज कर देंदे ने शब्द का, उहनूं ज़्यादातर आम तौर पर जिवें जनरली आप कहेंगे आम तौर पर उहनूं ऑपोजिट बना देंदे ने, जिवें हैप्पी दे मूहरे आन लग गया तो अनहैप्पी हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्सिस अन कैन मीनस नॉट, अन का मतलब हुंदा नॉट, रिमूव और ऑपोजिट, ठीक। एडिंग द प्रीफिक्स अन टू द वर्ड हैप्पी, या तुहानू हुणे दस कहते हैं हैप्पी दे नाल आन लग गया तो की बन गया अनहैप्पी। सो आज हुण आपां प्रीफिक्सिस देखते हैं, कुछ उहदी एग्जाम्पल्स देखते हैं, उहदे मीनिंग्स देखते हैं। टेबल नूं देखो ध्यान नाल, हुण असीं पढ़ांगे किहड़े किहड़े प्रीफिक्स हो सकते ने। नॉन, अन, एम, एन, एल, अर, इन सारिया का मीनिंग पुत की हुंदा नॉट जो ऑपोजिट, ठीक है। जिवें सेंस दे नाल लग गया नॉन नॉन सेंस, हैप्पी दे नाल अन लग गया अनहैप्पी। सो नैक्सट वन आर ई,
री दा मतलब हुंदा अगेन, दोबारा तो, बैक, जिदा रीविजिट, रीप्ले। ओके, अगे आ गया मिस। मिस दा मीन्स की आ, रोंगली मतलब गलत, जिवें अंडरस्टैंड भी मैं समझ लिया, मिस अंडरस्टैंड मैं गलत समझ लिया, है ना, इहदा मतलब हुंदा रोंगली और नॉट। अगे आ गया डी, रिजर्व, रिमूव, आउट ऑफ, इहदा मतलब आ डी एक्टिवेट, डीहाइड्रेट। को दा मतलब हुंदा विद और टुगैदर, विद जां टुगैदर नाल, मतलब को एग्जिस्ट। डिस जां डी सैपरेशन, इहदा मीनस हुंदा अवे, अपार्ट, किसी चीज़ नूं अलग अलग करना, है ना, यह भी हो सकदा। जिद्दां हुण इत्थे आ गया डिसलाइक, डिस दा की हुंदा लाइक पसंद करना, डिसलाइक की हो गया ना पसंद करना। डैश सिट। ओके, हुण चलदे हां आपां अगे, टेबल असी पढ़ लिया, हुण सफिक्सिस बारे गल हो रही आ, वह सानू की दसते ने। ठीक आ जाओ जी, आप पढ़ते हैं। अ सफिक्स इज अ लैटर ऑफ ग्रुप ऑफ लैटर्स एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड। सफिक्स डू नॉट मेक द ऑपोजिट, यपो जे एंड आते ने ऑपोजिट नहीं बनाते। दे आर यूज टू शो द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, ये सानू दसते पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कि स्पीच का किड़ा पार्ट आ, वर्ड बारे दसते सानू। फॉर एग्जाम्पल एडिंग आई ओ एन, ये की दसदा प्रोग्रेस दसदा गा, प्रोग्रेशन। ठीक, द नाउन फॉर्म द वर्ड, प्रीफिक्सेस आल्सो टेल अस द वर्ब टेंस ऑफ द वर्ड्स और वैदर द वर्ड्स आर सिंगुलर और प्लूरल, ये सानू वर्ब का दसदा ही दसदा टेंस की, तो नाल सानू ये भी दसदा भी सिंगुलर या प्लूरल बारे, भी वर्ड आ जिहड़ा सिंगुलर आ जां प्लूरल आ। हुण इहदा टेबल देख लो बेटा ध्यान नाल, लो जी इहदे आपां देखिए, ई आर अर और वन हूज और सोइंग अ कंपैरिजन, टीचर फास्टर, है ना, फास्ट तेज़ हुंदा फास्टर हो गया, वह कंपैरिजन करता होर तेज़, टीच मैंने पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला हो गया। उस तो इलावा हो गया एवल, एवल कैपेबल ऑफ बीइंग, एवल का मतलब करन कुछ, कोई काम करन दे योग, अनफॉरगेटेबल ना भुलन योग जिवें आपां कहिंदे, है ना, रिवर्सेबल वापस मोड़न योग। हाँ, डी लग गई या ई डी लग गई, वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे, है ना, इंग लग जाता फॉर्मिंग आ, यर्नड मीनिंग एन एक्ट ऑफ और द प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंग का जिम्मे हो गया, सिंग मैंने गाँवना, सिंगिंग गा रहा। मैंट लग जाता कई पिछे जिदा अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट, है ना, द एक्ट, स्टेट, वो दसदी है भी वो किस स्थिति ज रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। ओके, वह रिजल्ट की आया एक्शन का। आई बी ई लग जाता हैविंग द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव, हाँ जी ये हो गए थोड़े की ने सफिक्सिस। सो इन्हों पढ़ लिया, थानू पता लग गया इन्हों मीनिंग, इन सारे कंकलूड कर दें, इन अफिक्सिस के अंडर आते हैं बेटा, है ग्रुप्स ऑफ लैटर अटैच्ड बिफोर एंड आफ्टर द रूट वर्ड, वो शब्द जोड़े शुरू च लगते हैं जां पिछे लगते हैं रूट वर्ड के। अनअक्सैप्टेबल लिखा हुआ इतने वर्ड देखो, इन्हों उन्होंने तोड़ के दिता हुआ, प्रीफिक्सिस जिहड़ा बिफोर लगता वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लैटर्स जिहड़ा आफ्टर लगता उस सफिक्सिस। सो हो गया क्लीयर तुहानू ये, लो जी हुण सानू एक दिता हुआ सीगा एक्टिविटी, तुसीं इन्हां नूं वर्ड्स नूं ब्रेक करके लिखना, उहदे जिहड़ा प्रीफिक्स लग्या जां सफिक्स लग्या उन्हों अलग करना। ये तुहाडे लई मैं अलग करता, फ्रोजन, फ्रोजन च ई एन लग्या होया तो उन प्लस पा के मैं लिखिया, इसलिए रिटर्न च री लग्या होया, री नूं आपां अलग करता टर्न तो। एक्सट्रीमली च एल वाई लगी हुई है, वह भी अलग करती, डिसअपॉइंटमेंट, शिवरिंग, वाइजस्ट, रियलाइज, रियल प्लस यूज आ गया, सॉरी उत्थे आई एस ई आना सी, यू की जगह पर इत्थे आई आनी है बेटा। ठीक है, ओके, लुकिंग, लुक प्लस इंग हो गया। सो ये होगी थोड़ी एक्टिविटी है, तुसीं उत्थे नोट कर लेनी अपनी बुक ते। हुण अगला की आ गया, क्वेश्चन आंसर्स आ गए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हुण आपां देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटी नंबर 3। सो फर्स्ट क्वेश्चन की है, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इन द स्टोरी, कहानी दे विच साल दे केड़े समय दी जां केड़ी रुत्त दी गल हो रही है। सर्दियों के समय की गल हो रही है ना, भी उन्होंने कहा सारे तालाब जम गए, इन्नी सर्दी पै रही है। सो आंसर की लिखा, इट वाज विंटर टाइम।
सो इन्ना काफ़ी आंसर. ओके सेकेंड, वट हैड हैपन टू द पॉन्ड्स एंड लेक्स. हाँ जी, जिन्हें भी तालाब सी झीलां सी उन्हां नाल की वापर चुकिया सी, की हो चुकिया सी. हैड हैपनड पास्ट परफेक्ट टेंस आ. सो फिर की हो गया सी, सारिया झीलां ते तालाबां नूं वो जम गए सी ना. असी देखो उहदे विचों लिया स्टोरी ने, द पॉन्ड्स एंड लेक्स वर ऑल फ्रोजन. सारे तालाब ते झीलां की सी जम चुके सन. सो लो जी थर्ड क्वेश्चन, वट डिड अकबर वॉन्ट टू नो. अकबर की जानना चाहता सी, की जानना चाहता सी. स्टोरी आया सी, पूछते हैं भी कि कोई बंदा है दुनिया तो इदा का जो पैसे लिए कुछ भी कर सके. तो बीरबल ने जस कहा सी ना हाँ. सो फिर आप लिखा आंसर है अकबर वॉन्टड टू नो. ये तो क्वेश्चन ही पिया, देखो अकबर वॉन्ट द वॉन्टड बन गया टू नो. इतने तक पिया, इफ अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी. ठीक है, ये तुसी याद करना है ना. क्वेश्चन नंबर फोर, वाई डिड द ब्राह्मण एक्सेप्ट अकबर्स चैलेंज. ओके, की मतलब चैलेंज की होंगे, आप किसी चैलेंज करते हैं इदा करके दिखा. क्या जो ब्राह्मण से उन्हें अकबर का चैलेंज से जोड़ा क्यों स्वीकार कर लिया सी. बिकॉज द ब्राह्मण वॉज एक्सट्रीमली पुअर एंड हिज फैमिली वॉज स्टारविंग. बिकॉज क्यों जो ब्राह्मण से बहुत एक्सट्रीमली उन्हें बहुत गरीब से, तो जी परिवार से वो भुख ना मर रहा, इसलिए उन्हें स्वीकार कर लिया. ओके, हाउ मच मनी डिड अकबर एग्री टू गिव टू द ब्राह्मण. अकबर ने किन्ने पैसा देने सहमत हो गया भी अगर तू चैलेंज जित जाएगा तो तेन किन्ने पैसे दूँ. उन्होंने कहा 2000 गोल्ड क्वाइंस. सो इन्ना आंसर काफ़ी है 2000 गोल्ड क्वाइंस. सो ये हो गया तुहाडी एक्टिविटी 3, सारे क्वेश्चन हो गए. हुण एक्टिविटी नंबर 4 बेटा, हु सैड टू हूम. ये शब्द किने किनू कहे. राइट इन द गिवन स्पेस, जिहड़ी जगह दित्ती वी उत्थे असीं लिखणा. पहला असीं स्टेटमेंट पढ़ांगे. Stand inside the frozen pond all through the night without any clothes. I will give you 2000 gold coin. ये गल किने कही सी भी 2000 सोने दे सिक्के दूँ. राजे ने कही सी, अकबर ने किनू कही सी, ब्राह्मण. सो अकबर सैड टू द पुअर ब्राह्मण, जां द कल्ला दा ब्राह्मण लिख दो. ओके, सैकेंड स्टेटमेंट की है, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पाउंड इन सच एक्सट्रीम टैंपरेचर. कहते तू ये स्टेटमेंट ये करी है कि तू इन्ने एक्सट्रीम टैंपरेचर के जम्मी हुए तालाब के किदा खड़ा रहा. किने कहे शब्द, अकबर ने कहा सी जो दूसरी सवेर आपका इनाम लैन आया सी ब्राह्मण. किनू कहा सी, ब्राह्मण. अकबर सैड टू द पुअर ब्राह्मण. सो इतें भी असं यही लिखना. थर्ड, ओ ब्राह्मण यू हैव चीटड मी. ओ ब्राह्मण तू मैनू धोखा दिता. ये भी किने कहा सी, अकबर ने ब्राह्मण नू कहा सी. सेम पहले दा तिन्नां दा आंसर सेम आ. ओके, हुण फोर्थ वन चेक करो, यूअर मजेस्टी इट इज़ इम्पॉसिबल टू गैट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स ग्लोइंग सो फार अवे. ओके, ओ मेरे महाराज जां मेरे राजा, ये किवें संभव है कि एड्डी दूर दियां लाइटां तो जिहड़ियां माड़िया माड़िया चमक रही उन्होंने तो निग प्राप्त किया जा सके. ये गल किने कही सी, बीरबल ने कही सी. किनू कही सी, अकबर ने. सो द आंसर आ, बीरबल सैड टू अकबर. ओके, फिफ्थ वन, बीरबल आई कंसीडर यू टू बी द वाइजेस्ट इन हिज इन दिस कंट्री, वट यू हैव प्रूवड मी रोंग. ये शब्द किने कहे, बीरबल मैं तेन बहुत सियाणा समझदा सी, सब तो सियाणा समझदा सी इस देश, पर तू मैनू गलत साबित करता. ये कहा सी अकबर ने बीरबल. सो अकबर सैड टू बीरबल. ये हो गया द आंसर. ओके, एक्टिविटी नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बीरबल इन द स्टोरी. राइट 3 or 4 सेंटेंसेस ऑन बीरबल. तुसी कहानी पढ़ ली, समझ ली बीरबल बारे, आ सारी कहानी वो दुआले घूमती है ना, वो विजडम दुआले घूमती है. सो कहते बीरबल बारे की समझे इस कहानी तो 3 या 4 सेंटेंस लिखो. मैं अब तुहाड़ी हेल्प लई थोड़े लिखते आ, तुसी होर चाहो तो कोई होर लिख सकते हो. बीरबल वाज अ मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट. सारे ना पहली गल सानू ये पता लगी, जिहड़ा बीरबल आ वह मिनिस्टर आ, मंत्री आ, कित्थे अकबर के दरबार के. सो सैकेंड की पता लगी, बीरबल वाज वैरी इंटैलीजेंट एंड क्लावर. वो बहुत बुद्धिमान आ, चलाक भी आ. फिर ही इज़ नोन फॉर हिज विजडम या हिज बिट. वो अपनी सियाणप ले जाने जाता सी, ताही उन्हों राजा क्वेश्चन पूछता सी ना.
फिर अगे ही नैवा आ गई विदां पर जां किंग लिखांगे, वह कदे भी बहस नहीं सी करदा राजे नाल, जिहड़ी गल कह दिंदा सी राजा उहनूं आपदे ढंग नाल उहनूं प्रूव करदा सी ना। अकबर कंसीडर वीवल द वाइजस्ट परसन इन हिज किंगडम, ये भी गल कहानी दे विच आई है। अकबर आ जिहड़ा वह बीरबल नूं आपदे राज दे विच सारे तो ज़्यादा सियाणा मन्नदा सी। मैनी अ टाइम बीरबल प्रूव इट विद हिज विजडम, बहुत बारी बीरबल ने इस चीज़ को साबित किया अपनी सियाणप दे नाल। सो इस तरीके नाल तुसीं सेंटेंस बीरबल बारे लिख सकते हो। हाँ जी, सो ये सी तुहाडे लैसन दी एक्टिविटीज़। नैक्सट वीडियो दे विच आपां अगली एक्टिविटीज़ सॉल्व करांगे। सो टिल देन बाय, मिलते हैं नैक्सट वीडियो 'च।